नमस्कार, मैं हूं सुजाता उमेश करडिले और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हिंग्लिश का सफर में। आज मैं एक और कहानी लेकर आई हूं नसीरुद्दीन की। जी हां, NCERT की चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 के पाठ 5 नसीरुद्दीन का निशाना इस कहानी का वाचन। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी का वाचन, जिसका नाम है नसीरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाए ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। देखा नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी का नतीजा। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हार चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जी हाँ, यही पाठ इस कहानी के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। तो कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे देखकर जल्दी
इसे लाइक शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल हिंग्लिश का सफर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखिए दोस्तों, जल्द ही एक नया वीडियो लेकर मैं सुजाता उमेश करडिले आपके सामने फिर से आऊंगी एक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और हाँ, मेरे अगले वीडियो का इंतजार भी करते रहिए।